हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्यूज़ में, जो कि है आपका करेंट अफेयर का क्यूज़। जी हाँ, ये करेंट अफेयर का क्यूज़ आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IBPS का हो एग्ज़ाम, या SBI का हो, या RBI का हो, या फिर किसी भी PCS का एग्ज़ाम हो, या फिर RPF हो, या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर वो एग्ज़ाम के लिए आपको करेंट अफेयर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आपके लिए पर डे लेकर आते हैं अपने इस चैनल पे एक टॉप 10 क्यूज़, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूज़, जो कि है 3 अगस्त से। जी हाँ, कल तक हमने वीडियो अपडेट किया है 2 अगस्त तक का, आज है 3 अगस्त। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से आपको हर वो दिन का लेटेस्ट वीडियो मिल सके। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ successkey98.org, जी हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ लिंक में। ठीक है, successkey98.org पर जाकर आप हमारे टेस्ट सीरीज के पोर्टल पे जाके टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। वहाँ पे अभी रेलवे और SSC से रिगार्डिंग, सॉरी, रेलवे LP और ग्रुप डी के रिगार्डिंग अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया जा चुका है, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे चैनल से आपको जा सके। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो मॉर्निंग आवर में एक बार चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं कि वीडियो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूज़, देखते हैं क्या है। चलिए, तो ये हमारा पहला सवाल है, ये पढ़िए आप। भारत और संयुक्त अरब इमारात यानी कि UAE की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI ने भारत के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि नई दिल्ली में ये समझौता हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नई दिल्ली में ये समझौता हुआ है। तो इस समझौते को लेकर अरब इमारात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में एक समझौता हुआ है। तो इस ये जो MOU है वो किसके किसके बीच में साइन हुआ है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके नीचे हैं, 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर आप जल्दी से फटाफट दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो देखिए बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं मैं कि भारत और संयुक्त अरब इमारात यानी कि UAE के बीच में AI के ऊपर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भारत के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो भी नई दिल्ली में। और इसमें UAE के जो AI के डीलर हैं यानी कि इनके जो कनेक्टर हैं इंडिया वाले, जो इंडिया से, ठीक है, यह एक साझेदारी दोनों देशों के बीच में अगले दशक के दौरान आर्थिक लाभ में होने वाले अनुमानित करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाएगी। और इसमें वाणिज्य यानी कि बिजनेस और उद्योग मंत्री, जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन, सुरेश प्रभु, जी हाँ इनका नाम है सुरेश प्रभु। ये कौन है हमारे, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं भारत के। और HE की उपस्थिति में यानी कि आंसर है डी, सुरेश प्रभु और अहमद सुल्तान अल फलाही के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि 21 जनवरी 2018 को पहले मसौदे को जारी करने वाली 7 महीने के बाद राज्य की राष्ट्रीय रजिस्टर नागरिकों के अंतिम मसौदे को जारी करने वाला राज्य का नाम बताना है आपको। द नेम द स्टेट दैट हैज़ रिलीज द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन NRC। जी हाँ, अभी विवाद चल रहा है असम में। ठीक है, वो विवाद देखिए, आंसर इसका होगा बी, असम है, क्योंकि असम में कुछ ऐसे शरणार्थियों के ऊपर विवाद चल रहा है जो कि खुद को इंडियन बताते हैं और उनके पास नागरिकता के तौर पे कोई सा भी प्रूफ नहीं है। तो भारत सरकार ऐसे शरणार्थियों को उनके देश भेजने का कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ ऐसे गरीब जो बच्चे फंसे हुए हैं उनमें, कि वो हैं तो इंडियन पर उनको बाहर देशों का बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जांच चल रही है अभी, तो ये असम में हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बहुत बन सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे अभी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन द पर्सन 2018। देखिए अभी
मैन ट्रैफिकिंग जो हो रहा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट इसके है, ठीक है। तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन, किसी भी व्यक्ति, 2018 की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का विषय क्या है इस बार का, ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाकर कर सकते हैं। तो देखिए, पुरुषों यानी कि मनुष्यों की जो तस्करी होती है उसके खिलाफ एक विश्व में जो एक दिवस मनाया जाता है, वो जो डेट नोट कीजिएगा, वो 30 जुलाई को मनाया जाता है पूरे संयुक्त राष्ट्र द्वारा। दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला यानी कि इससे फाइट करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में हर सरकार को इस घटना से जीतने के लिए समेकित लगाकर उपाय करने का आग्रह करती है। जी हाँ, इसका आंसर है बच्चे, इट्स ए, बच्चों और युवाओं की तस्करी का जवाब देना, ठीक है। तो ये मैन ट्रैफिकिंग जो बहुत पुराना चला आ रहा है, किडनैपिंग का है ये एक प्रोसेस, जो कि किडनैप करते हैं लोगों को और उनके बॉडी के साथ कुछ उनके जैसे बॉडी को सेल आउट करते हैं या फिर उनको आतंकवादी बनाते हैं, ऐसे बहुत ही सारी गतिविधियां हैं जिसके चलते इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को इस दिवस को मनाने का फैसला भी किया है। तो डेट भी नोट कीजिएगा, 30 जुलाई है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन द पर्सन्स इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड द यूनाइटेड। देखो डेट पूछा है यहाँ पे, मैंने डेट अभी बता दिया आपको कि 30 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड द नेचुरल गैस ऑफ कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल की प्राकृतिक गैस निगम के यानी कि ONGC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक मुझे आप सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये हैं शशि शंकर। जी हाँ, शशि शंकर इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ONGC। जी हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द 20th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल वॉज हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। द मीटिंग हैज़ एक्सपेंडेड विच फॉर्म ऑफ द टैक्स स्लैब। किस स्लैब में GST परिषद को 28वीं बैठक को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो उसका नाम बताना है आपको, स्वच्छता नैपकिन, राखी, पत्थर, संगमरमर या इनमें दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो आंसर है इट्स ई, इनमें से दिए गए किसी भी विकल्प में ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए और इसका आंसर मैं बताता हूँ, वैसे जो GST परिषद की जो 28वीं बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है, इसको नोट कीजिएगा आप सभी। और इनमें से 50 से अधिक वस्तुओं पर जो टैक्स है उसको घटाने की बात की गई है, और GST से सैनिटरी नैपकिन, राखी, पत्थर, संगमरमर, लकड़ी कि देवताओं जैसी मूर्तियों को और संगमरमर की जो मूर्तियां बनती हैं देवताओं की, और साल की पत्तियां, साल एक वृक्ष होता है उसकी पत्तियों को, ठीक है, छूट दी गई है। और साथ ही साथ वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 28वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। किसने? तो पीयूष गोयल ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में बच्चे, ठीक है। तो इसको भी नोट कीजिएगा आप सभी, ठीक है। दिए गए सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। आंसर इसका ई है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन अनबिलीव्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट एयर क्वालिटी एंड द वीदर फॉरकास्ट द सिस्टम इन न्यू दिल्ली। द एनवायरमेंट मिनिस्टर मिशन मॉडल प्रोजेक्ट इज बींग द इम्प्लीमेंटेड इज 4 सिटीज ऑफ द इंडिया। कौन कौन से वो 4 शहर में केंद्रीय परिवहन मंत्री जो हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के प्रणाली को अनावरण किया है, और इसका नाम बताना है कि कौन कौन से शहर में इसे इस मॉडल को लागू किया जा रहा है, इस परियोजना को। तो ये आपके ऑप्शंस हैं नीचे, दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और फरीदाबाद, दिल्ली, कोचीन, इंदौर और अहमदाबाद, या दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और फरीदाबाद, या दिल्ली के विकल्प में सभी सत्य नहीं हैं, ठीक है। ऑप्शंस का लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस के जो करेक्ट होने का चांसेस होते हैं वो आपको वहाँ देखना होगा। अगर 5 ऑप्शन देता है तो बहुत सारा चांसेस बनता है गलत होने का, ठीक है। तो देखिए
केंद्रीय मंत्री हमारे हैं हर्षवर्धन जी, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। और ये बैठक हुई है नई दिल्ली में चांदनी चौक में, एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के सफार, नाम याद रखिएगा सफार, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। और ये किस किस शहर में लॉन्च होगा, तो दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा इस परियोजना को। चलिए इसी के साथ अगला आठवां सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन दिस कंट्री? तो आंसर है बच्चे इट्स सी। जी हाँ, ये पूछ रहा है कि हाल ही में जारी किए गए सार्वजनिक मामलों में सूचकांक में 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश में से सबसे अच्छा शासित राज्य है, पूरे कंट्री में अपने सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है? तो देखो, पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है ये इसी चीज़ को डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट किस रैंक पे है, ठीक है। तो अनुसार इसके अनुसार केरल जो है, केरल जो हमारा स्टेट है, देश में सबसे अच्छा शासित राज्य माना जा रहा है, जिसे कि बेंगलुरु थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका और गुजरात अच्छे शासन प्रदान करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में से एक हैं, ओके। और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सूचकांक पर सबसे कम स्थान पर है, जो उच्च सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संकेत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही नोटेबल है कि जो बिहार स्टेट है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है, ये ऐसे 5 स्टेट हैं जो सबसे नीचे रैंकिंग पे हैं। और यहाँ पे ना तो विकास की कोई चिंता है सरकार को, और ना ही यहाँ पर यहाँ के सूचकांक को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये सरकार की बहुत ही ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नीति मानी जा रही है, बेकार की नीति है। जो स्टेट डेवलप्ड हैं उन स्टेट को ही आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको ही आगे लेके जाया जा रहा है, और ये 5 स्टेट हैं। जबकि हर स्टेट में अगर देखा जाए, यहाँ पर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट में तो जो केंद्र की सरकार है उसी की सरकार यहाँ पे भी विराजमान है, ठीक है। पर यहाँ पे कोई भी विकास का चर्चा नहीं होता है, सिर्फ वोट बैंकिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है, जातिवाद से लेकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेकार की चीज़ें, मुझे यहाँ बात नहीं करनी चाहिए इन सब चीज़ों पर ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि यहाँ की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं वो दूर हो सके, ठीक है ना बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत ने, फुटबॉल के शासी निकाय ने मुंबई में फेडरेशन की कार्यकारी समिति की बैठक में IFF प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसको नाम दिया है? तो ऑप्शंस हैं गुरप्रीत सिंह संधु, सुनील छेत्री, भचुंग भुटिया, सुब्रत पाल या संदेश नजिंगल। तो आंसर है बच्चे इट्स बी, सुनील छेत्री। जी हाँ, सुनील छेत्री को इसके लिए नाम दिया गया है। किसके लिए? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, भारत में फुटबॉल के शासी निकाय भारत और बेंगलुरु के FC कप्तान रह चुके हैं सुनील छेत्री, जो कि मुंबई फेडरेशन की कार्यकारी समिति में बैठक में भी इनका प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है इनको। चलिए अगला हमारा सवाल है, और ये सवाल है आज का बहुत इम्पोर्टेंट, कि इंडोनेशिया के जकार्ता में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के दौरान अंतिम मैच में इंडोनेशिया के कुनलावुत विद्यतसन को हराकर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को स्वर्ण पदक दिया गया है, उनका नाम बताना है। तो ये नाम है बच्चे इट्स लक्ष्मण सेन। जी हाँ, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, और जकार्ता के इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियंस के अंतिम मैच में इंडोनेशिया के आर्थिक क्रम वाले कुनलावुत विद्सन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, और ये इनकी उम्र है 16 साल। जी हाँ, सिर्फ 16 वर्षीय हैं ये प्लेयर। कौन? तो लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन यहाँ लिखा है, इस नाम ही लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन, ये सही है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ये जानकारी आपको देनी बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेस्ट अगर दोगे तो आप अपनी गुणवत्ता को बताओगे कि आप कितने सक्षम हो एग्ज़ाम के लिए। तो अब 10 दिन बचे हुए हैं, या 8 दिन या 5 दिन ऐसे कुछ बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। 9 अगस्त से शुरू होने वाला है RRB और ALP का एग्ज़ाम, ये RRB, ALP और ग्रुप डी का एग्ज़ाम।
शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग जरूर टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा कमांड करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और आप लोग एजुकेशन की 86 के साथ साथ सक्सेस की 98 को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल मिले दी जा रही हैं और हम लोग वहाँ पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।